हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूपी पुलिस की तरफ से कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। बम्पर नंबर ऑफ सीट्स पे वैकेंसी आएगी, इसका नोटिफिकेशन तो पहले आया ही था। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अभी योगी आदित्यनाथ जी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहां पे भी ट्वीट करके इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया गया कि इसका जो चयन प्रक्रिया है बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके रिलेटेड एकदम कंप्लीट डिटेल में मैं डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि यूपी पुलिस की तरफ से कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आने वाली है। टोटल सीट्स की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट है आपका 58,737, मतलब कि 60,000 के आसपास सीट पे आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। फॉर्म की फ़ी की बात करें तो 400 रुपीज़ फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स, चाहे वो उस स्टेट के हो, अदर स्टेट के हो, जो भी हो, सबको लगेगा बस 400 रुपये। एज लिमिट देखा जाए तो जनरल कैंडिडेट मेल का है मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 22 इयर्स। जनरल कैंडिडेट्स फीमेल के लिए मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 25 इयर्स। रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी एंड एससी एसटी को 5 इयर्स का, मतलब कि इनके लिए आपका 18 to 27 इयर्स रहने वाला है। 18 से 27 साल के बीच के जो भी ओबीसी एससी एसटी रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। रही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सिंपली 10+2 पास हो, डजंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज, आप पास हो 10+2, आप अप्लाई कर सकते हो। रही बात की फ्रेंड्स सिलेक्शन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया में कितने स्टेज से गुजर के आपको जाना होगा, तो फ्रेंड्स आपका जो सिलेक्शन है वो मेजर 3 स्टेज पे डिपेंडेबल है। सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद होती है आपकी फिजिकल, देन डीवी के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्जाम होता है हमारा, उसका पैटर्न क्या होता है। तो आपका 150 क्वेश्चन का पेपर रहेगा 300 मार्क्स के लिए, मतलब कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। टाइम रहता है 2 आवर्स का, निगेटिव मार्किंग भी है 0.50 का। सब्जेक्ट वाइज अगर बात की जाए तो जीके के 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स के लिए, हिंदी के 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 55 क्वेश्चन 110 मार्क्स के लिए, एंड मैथमेटिक्स के 21 क्वेश्चन आपका 42 मार्क्स के लिए। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन का जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, वो आपका रीजनिंग होता है। जैसा आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको रीजनिंग से ही पूछा जाता है, तो मेनली आपको ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करना है अगर आप सिंपली यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल या एसआई के लिए तैयारी करते हो तो। चलिए आगे एग्जाम की पैटर्न आई होप कि क्लियर हो गई होगी। आगे देख लेते हैं कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो देखिए, आपको हाइट सबसे पहले मेजरमेंट होती है, जिसमें मेल कैंडिडेट का मिनिमम होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल्स का मिनिमम 152 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होता है। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट का मेजर होता है 79 to 84 सेंटीमीटर। रनिंग की बात की जाए तो मेल्स के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में उनको कंप्लीट करना होता है, फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है, उनको 14 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि एग्जाम पैटर्न और फिजिकल क्राइटेरिया आप दोनों चीज समझ गए होंगे। इसके बाद आपका सिंपली डीवी होगा, आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। और जहां तक रही कि आपका ज्वाइनिंग कहां पर होगी, तो यूपी के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आपकी वैकेंसी आएगी, तो अलग अलग जिलों में आपको यूपी में ही काम करना पड़ सकता है। सैलरी क्या मिलेगी बता देती हूँ आपको। सैलरी आपका 30,000 to 40,000, मतलब स्टार्टिंग में 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। बाद में पर्क्स एंड अलाउंसेज उसके साथ साथ आपको इंक्रीमेंट मिलता है, तो सैलरी जो है अच्छी खासी हो जाती है आपको 80,000 to 1,00,000 तक पर मंथ का रहता है इंक्रीमेंट के बाद। तो चलिए, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया, आप देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में ना क्या कट ऑफ रहा था।
कैटेगरी वाइज देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि दो तरह के कांस्टेबल में भी सीट्स आए हैं, रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित और पीएसी। तो रिजर्व्ड के लिए 31,307 सीट्स, पीएसी के लिए 18,208 सीट। तो आउट ऑफ 300 पहले देखते हैं कि रिजर्व्ड में क्या गया था कैटेगरी वाइज। तो रिजर्व्ड पोस्ट के लिए आउट ऑफ 300 जनरल का था 193.87, ओबीसी का 185.34, ईडब्ल्यूएस का सिस्टम ही नहीं था उस टाइम, और आपका एससी का 159.30, एसटी कैंडिडेट्स का 131.34 गया था। पीएससी की पोस्ट के लिए जनरल का 180.40, ओबीसी का 176.38, EWS का तो सिस्टम ही नहीं था, एससी के लिए 149.57, एसटी के लिए 120.50। तो ये रही आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, जिसके आधार पे आपको अपनी तैयारी को स्ट्रांग करनी है, ताकि ये तो उस समय का स्कोर था, अभी कंपटीशन बढ़ने के बाद कट ऑफ और हाई जाए तो आप इस कट ऑफ को ना पार कर सको। अब रही बात फ्रेंड्स की टोटल फॉर्म कितना अप्लाई किया जाएगा, तो एक्सपेक्ट आप ये कर सकते हो कि 20 से 50 लाख जो है लोग इसको फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म आएगी कब तक, तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है, अभी ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके बताएगा, तो अनुमानित ये है फ्रेंड्स कि आपका जो ये फॉर्म है नवंबर तक आपका आ जाना चाहिए, नवंबर 2023 तक। एग्ज़ाम की डेट तो जब आपको ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आई थी उसी में बताया गया था कि आपका दिसंबर 2023 तक एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, फॉर्म आए एग्ज़ाम हो आप अपनी तैयारी को करते रहोगे। ऐसा तो नहीं ना कि एकदम आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद तैयारी करने जाओगे, वैसे में तो फिर आप अपना सीट भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये पहले बताने का मकसद ये होता है फ्रेंड्स कि आप अपनी तैयारी ना अभी से स्टार्ट कर दो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है तो फॉर्म भी बहुत जल्द आएगा। सो आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। समझने में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछो, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। मिलूंगी फिर से किसी न्यू जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।